हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर की संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। हमीरपुर से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप पठानिया ने सांसद की मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पर सांसद से पूछा है कि ये सेवा केवल 2019 तक ही रहेगी या आगे भी चलेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक अनुराग ठाकुर को जनता की याद आ रही है और केवल मात्र चुनावी स्टंट के अलावा ये कुछ नहीं है। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप पठानिया ने कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य मोबाइल सेवा का प्रचार किया जा रहा है तो ये केवल मात्र जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट के माध्यम से प्रदेश से बाहर रहे हैं और अब चुनावों के नजदीक नई नई चीजें शुरू करके जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लिए सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की है, जिसके तहत मोबाइल वैन के माध्यम से घर द्वार पर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन इस सेवा को लेकर कांग्रेसी नेता केवल मात्र चुनावी स्टंट देने में लगे हुए हैं, जिससे राजनीति गरमाई हुई है। अच्छी बात है अगर सांसद ने कोई काम किया है और 15 साल के बाद उसको याद आई है लोगों की, और हमें ये लगता है कि आज से 14 साल पहले ये कभी ऑफिसर का कोई नाम है ना कोई पता ना सांसद ने कभी भी इसको जिक्र किया है। मुझे ये लगता है कि चुनावी स्टंट है। क्या ये सांसद महोदय बताएं कि क्या 2019 के बाद भी लगातार चला रहेगा कि यही इससे चुनावों की तक की सीमित है, क्योंकि 15 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब तो ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ। आज इन दिनों में जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो इसको शुरू किया है, तो हमें लगता है कि ये चुनावी स्टंट है और चुनावों के लिए इसको जो लोगों को लुभाने का जो प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे तो इसका प्रचार करने का जो प्रचार हो रहा है, इसका प्रचार तो ये लग रहा है कि ये चुनावों तक ही प्रचार है, उससे पहले नहीं हुआ और उसके बाद हम ये कहने जा रहे हैं कि चलो पीछे नहीं, आगे क्या आगे के लिए ये प्रोग्राम ये चलता रहेगा कि ये सिर्फ चुनावों के वोट लेने के लिए हुआ, क्योंकि 15 साल में इन्होंने जो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है उसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर क्षेत्र से बाहर रहे हैं, क्रिकेट के माध्यम से दूसरे देशों में घूमते रहे हैं और जहाँ के चुनाव क्षेत्र की बात है उसमें इनका आना जाना कम था, और उसी को भरपूर करने के लिए एक नया मतलब इसको शुरू किया है। तो क्या ये 2019 के लिए चुनावों के लिए है कि लोगों के लिए सदा के लिए फैसिलिटी है, ये हम जानना चाहेंगे।